जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस ज्ञान की दुनिया में जिसका नाम है रीत नॉलेज टीवी। दोस्तों कितना अजीब लगता होगा कि कोई देश बिना सेना के कैसे जीता होगा, जबकि हमारे खुद के देश के पास इतना सैन्य बल है। आखिर कैसे यह देश बिना सैन्य बल जीते हैं? जिन देशों को सैन्य क्षमता अच्छी होती है उन देशों की गिनती पावरफुल देशों में की जाती है। आज के युग में हर देश अपनी सेना की ताकत का प्रदर्शन करने से नहीं कतराता, लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व में ऐसे भी कई देश हैं जिनके पास अपनी सेना नहीं है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं देशों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों इन देशों की लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है एंडोरा का। यूरोप का यह छोटा सा देश एंडोरा 1278 में बना था। एंडोरा देश 467.6 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस देश के पास अपनी सेना नहीं है, यह दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर एंडोरा देश पर कभी भी हमले की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह अपने नज़दीकी देश स्पेन और फ्रांस पर निर्भर है। एंडोरा ने आपदा या हमले से बचने के लिए अपने पड़ोसी देशों फ्रांस और स्पेन से सैन्य संबंधी समझौता कर रखा है। दोस्तों दूसरे नंबर पर नाम आता है ग्रेनेडा का। ग्रेनेडा देश के पास अपनी सेना न होने के बावजूद अमेरिका जैसी शक्तिशाली देश का हमला झेल लिया था। यह हमला सेना और सरकार के बीच हो रहे आपसी विवाद के कारण हुआ था और सन 1983 में सेना को हटा दिया गया था। ग्रेनेडा देश में अभी भी आंतरिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी पुलिस के पास है। ग्रेनेडा देश का क्षेत्रफल 348.5 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है लिक्टेनस्टीन। लिक्टेनस्टीन देश उन देशों में से एक है जिन्हें कभी भी सेना की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। 1868 में हुए हमले के बाद यहाँ की सरकार ने अपनी सेना तैयार कर ली थी, लेकिन सेना तैयार करने में अधिक खर्च की आवश्यकता थी और लिक्टेनस्टीन देश यह खर्च उठाने में असमर्थ था। लिक्टेनस्टीन देश में पुलिस ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था दोनों को संभालती है। दोस्तों इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड के पास अपनी सेना नहीं है। यह देश 1893 तक ब्रिटेन पर आधारित था। सोलोमन आइलैंड कई द्वीपों का समूह है जिसके कारण 1976 में बनी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। सोलोमन आइलैंड में जातीय संघर्ष और आपराधिक मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सोलोमन आइलैंड न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है, इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया ही इस देश की देखरेख कर रहा है। दोस्तों पांचवें नंबर पर आता है नौरू। नौरू देश दुनिया के सबसे छोटे देशों में गिना जाता है। नौरू देश का क्षेत्रफल सिर्फ 21.10 वर्ग किलोमीटर है। इस देश के पास अपनी कोई सेना नहीं है। इस देश की पुलिस ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखती है। जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया इस देश की मदद करता है। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नंबर है वेटिकन सिटी का। वेटिकन शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी के पास अपनी कोई सेना नहीं है। वेटिकन शहर इटली की राजधानी रोम में स्थित है, जिसकी वजह से इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इटली के पास है। यहाँ सिर्फ स्विस गार्ड तैनात रहते हैं जिसका काम पोप और उनके महल की रक्षा करना होता है। यहाँ जेंडर मेरी कॉपर्स भी है, लेकिन उनको सेना नहीं कहा जा सकता। ये पुलिस बल सिर्फ वेटिकन सिटी में कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों की जांच का जिम्मा संभालता है। दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर आता है मॉरिशस। मॉरिशस हिंद महासागर में बसा एक छोटा सा देश है जिसके पास अपनी कोई सेना नहीं है। मॉरिशस को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। इस देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 पुलिसकर्मी ही हैं। इनके ऊपर ही मॉरिशस शहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। दोस्तों इस लिस्ट में आठवें नंबर पर आता है पलाऊ। पलाऊ देश के पास अपनी सेना नहीं है, यह केवल पुलिस वालों पर ही निर्भर है। 1983 में अमेरिका के साथ हुए समझौते के अनुसार अमेरिका पलाऊ को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों नौवें नंबर पर जो देश है उसका नाम है हैती। हैती देश नॉर्थ अमेरिका में स्थित है।
वर्ष 1995 में सेना और सरकार के आपसी विवाद के कारण यहाँ से सेना को हटा दिया गया था। अब हैती देश के पास कोई अपनी सेना नहीं है और यह देश केवल पुलिस पर ही निर्भर है। दोस्तों, इस लिस्ट के आखिरी में जो देश है उसका नाम है मार्शल आइलैंड। मार्शल आइलैंड 1983 में स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन आज भी इसे अमेरिका का ही हिस्सा माना जाता है। मार्शल आइलैंड में भी कोई सेना नहीं है। अगर कभी भी इस आइलैंड पर हमला या कोई आपदा आती है तो अमेरिकी सेना ही इसकी जिम्मेदारी लेती है। तो दोस्तों, ये थे 10 देश जिनके पास आज तक अपनी कोई सेना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।